कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम नए कपड़े लेके आते हैं तो उसमें से इतने भयंकर कलर निकलता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कलर तो इतना ज़्यादा निकल रहा है कि एक बार में ये कपड़ा फेड हो जाएगा। बट आज आपके साथ मैं ऐसा टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसके बाद ये जो कपड़ा है एक बार कलर छोड़ेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके जो कपड़े हैं उसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टिप है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टिप को। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, जब भी आप कपड़े नया लेके आते हैं तब एक ही बार स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा टिप है, एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सारा बर्तन ले लेना है, उसमें डाल लेना है 4 से 5 लीटर पानी और उसमें डाल देंगे हम 1/2 पाउल नमक। आप कपड़े की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कलर जाता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ये बना रही हूँ। 1/4 कप यहाँ पे फिटकरी है एलम, जो इस तरीके से मोटे मोटे दाने में रहते हैं जिसे हम फोड़ के इस तरीके से बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसको डालना है और इन दोनों को डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक ये फिटकरी जो है अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो जाती तब तक हमें हाथों से इस तरीके चलाते रहना है, या फिर आप कुछ देर 15 से 20 मिनट इस तरीके से डाल के इसे छोड़ दें ताकि ये जो फिटकरी है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब नमक और फिटकरी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा तभी हम इसमें दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास फ्रेंड्स इस तरीके से एक शर्ट है रेड कलर का, इसका कलर जो है बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है तो इसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, इसे इस तरीके से हमें डाल के लगभग 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर 3 से 4 घंटा जब आप इसे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे इसमें जितने भी कलर्स हैं एक बार में निकल जाएंगे, उसके बाद नहीं निकलेंगे। तो इसे इस तरीके से आपको भिगा के पहले 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे बाद आपको दिखेगा कि इसमें से कितना कलर निकलता है। तो देखिए, 3-4 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे बाद आप देख पाएंगे इसमें से कितना कलर इस तरीके से निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कलर है, अब ये कलर एक बार निकल गया है, अब इसमें से कलर ये नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमें अच्छे से इसका पानी जो है हटा देना है, हम दूसरे पानी में इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इस शर्ट को मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ बाहर। देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से रिंस कर लेना है इसको। अब हम इसे दूसरे एकदम साफ पानी ले लेना है, 2 से 3 पानी हम इसे अच्छे से साफ पानी में पहले वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साफ पानी में इसे डाल दिया है, इसे इस तरीके से 2 से 3 पानी आप अच्छे से क्लीन वाटर में साफ कर लीजिए। तो ये देखिए, अब इसमें से कलर नहीं जा रहा है, जितना निकलना था वो निकल चुका है, अब इसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं जा रहा है। अब इसमें जो फिटकरी वगैरह जो भी है उसे हमें हटाना है, इसलिए हम इसे पहले 2 से 3 पानी अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद इन कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले साफ करके इसे हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बाल्टी में फिर से पानी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे विनीगर। तो मेरे पास विनीगर का बड़ा बॉटल ख़त्म हो गया था तो मैं इस तरीके से छोटे बॉटल में निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच जितना हमें विनीगर इसमें डाल देना है। विनीगर डालने से होगा ये कि जो भी आपके कपड़े हैं जिसमें हमने फिटकरी में भिजो के रखा था उसकी वजह से वो कपड़े जो है थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो अब ये विनीगर की वजह से ये कपड़े फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे हम फिटकरी के पानी से निकालने के बाद इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे विनीगर के पानी में डिप करके अच्छे से वॉश करके निकाल लेंगे। अब ये कपड़े जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, हमें डिटर्जेंट में वॉश नहीं करना है, सिर्फ विनीगर में ही इसे निकाल रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से सुखा देंगे। तो ये देखिए, कपड़ा हमारा हो गया एकदम अच्छे से क्लीन, अब विनीगर के पानी की वजह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको डायरेक्टली इसे ड्राई कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया टिप है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका कपड़े में जितने भी ज़्यादा कलर जाते हो तो आप एक बार इस टिप को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है। तो कैसा लगा आज का टिप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर टिप जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।